यमुना नदी संत बह रही थी। यमुना के किनारे हर दिन की भांति कुछ महिलाएं इकट्ठा थी। सुबह का समय था, कोई बर्तन मांजने आया था, कोई कपड़े धो रहा था। और जब बहुत सारी महिलाएं नदी के घाट पर इकट्ठा हो जाती थी तो स्वाभाविक रूप से उनकी बातें शुरू हो जाती थी। उनकी बातें चली रही थी और उतने में रुक्मिणी वहां आ पहुंची। एक महिला ने कहा, देखो देखो, हम बात ही कर रहे थे और वो आ गई, अपने एक हाथ से साड़ी का पल्ला संभालते हुए और दूसरे हाथ से माथे की घाघर संभालते हुए वो वहां पहुंची। उसने अपनी घाघर को धोया और पानी भरने लगी। सारी महिला उसके पास देख रही थी कि बस आई और किसी से बिना बात किए ये अपना अपना काम कर रही है। जैसे ही उसकी घाघर भर गई, उसने घाघर उठाई और चल पड़ी। तब एक महिला ने पूछा, ये क्या, रुक्मिणी अभी तो आई और फिर जा रही है? अरे थोड़ा देर रुक, हम लोगों से गपशप कर, यहां वहां की बातें करेंगे, बड़ा मजा आएगा। इतनी क्या जल्दी है तुझे? नहीं, मुझे घर जाना है। क्यों? तेरी तो सास गुजरे जमाना हो गया, ससुर काम पे चले जाते हैं, पति बाहर गांव रहते हैं, तुझे क्या डर है? कोई मेहमान आने वाला है क्या? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं। मेरे देवर जी जो है, देवर जी कौन? वो भूषण, वो पागल, सुबह शाम सारे गांव को छलते रहता है, बंदर जैसी हरकतें करते रहता है, और उसका तुझे डर? अरे क्या बताऊं रुक्मिणी तुझे, परसों की बात है, तुझे बतानी थी, रह गई। तेरा भूषण हमारे बेटे को लेके नदी पे आया और कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें तैराकी सिखाऊंगा, और तैराकी सिखाने के नाद में उसने पेड़ से उसे छलांग लगवाई, बह जाता, डूबी मरता उस दिन। वो तो ठीक था कि बड़े लोग वहां थे, उन्होंने पकड़ लिया। बेचारी रुक्मिणी कुछ बिना बोले वहां से चल पड़ी। उसके मन में विचार आने लगा कि वास्तव में सारे लोग भूषण को बंदर बंदर कहके पुकारते हैं, क्या ये ठीक बात है? उसको वो दिन याद आया जब उसकी सास गुजरी थी, उस दिन छोटे भूषण का हाथ रुक्मिणी के हाथ में थमाते हुए वो बोली थी, देखो रुक्मिणी, ये अब तुम्हारा बेटा है, इसको संभालना, इसका पूरा ध्यान रखना। और तब से उसकी मां बने सारी कोशिश करती हूं, लेकिन ना वो पढ़ता है, ना विद्यालय जाता है, ना कुछ कामधाम संभालता है। हाँ, एक कारण हो सकता है शायद मैंने कभी उसे डांटा ही नहीं, आज मैं उसको डांट के ही रहूंगी। और ऐसा सोचते सोचते वो घर पहुंची, उसने रसोई बनाई और भूषण का इंतजार करने लगी। समय बीत चला, दोपहर ढल गई, शाम हो गई, और जब गाय लौट रही थी उस समय भूषण भी घर आके पहुंचा। बुराया वैसा चिल्लाने लग गया, भाभी भाभी मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। हाँ बैठो, मैं अभी लाती हूं। ऐसा करके रुक्मिणी रसोई घर में गई, उसने भूषण की थाली परोस कर वो ले आई, भूषण के सामने थाली रखी। भूषण ने खाना आरंभ किया, पहला गस्सा खाया और उसके ध्यान में आया कि सब्जी में नमक नहीं है। भाभी भाभी सब्जी में नमक नहीं है, नमक चाहिए। देती हूं, ऐसा कहके वो नमक लाने के लिए फिर रसोई घर में गई। और उसी समय कोई पड़ोसन उसके पास कुछ मांगने के लिए वहां आ पहुंची, तब उससे बात करने में इसका थोड़ा समय निकल गया। और तब फिर बाहर से आवाज आई, भाभी भाभी आपको 1000 बार कह दिया, नमक चाहिए नमक, मेरा खाना रुक गया, मुझे भूख लग रही है,
नमक चाहिए, जल्दी दीजिए। अब जाके इस रुक्मिणी का गुस्सा ऊपर चढ़ा, अपने हाथ में चिमटी भर नमक लेते हुए वो आई और नमक परोसते परोसते बोली, नमक मांगते हो नमक, नमक कमाने की लायक ही नहीं, शर्म आनी चाहिए। काम धाम कुछ करते नहीं, दिन भर खाना और सोना और ऊपर से नमक मांगते हो नमक। अपने भाभी के मुख से ऐसी बात सुनकर भूषण थर्रा गया, कांप गया। भाभी क्या कह रही हैं आप ऐसी बात कह रही है, और नहीं तो क्या, दिन भर यहां वहां घूमते रहते हो, कुछ काम करते नहीं, एक पैसा कमा के लाते नहीं और नमक मांगते हो। अपने पिता के अपने भाई के जान पे जीते हो तुम, नमक मांगते हो नमक। भूषण वहां से उठा, उसने अपना हाथ झटका और भरी थाली से उठकर चल पड़ा। कहां जाएगा, भूखा है, आएगा लौटकर, ऐसा सोचकर रुक्मिणी इंतजार करते रही। लेकिन भूषण लौटा ही नहीं। कहां गया था भूषण? रात हो गई, रुक्मिणी ने भी सुबह से खाना नहीं खाया था। उसका नियम ही था, जब तक भूषण खाना नहीं खाता था तब तक रुक्मिणी भी खाना नहीं खाती थी। रात हो गई, जब भूषण लौट के नहीं आया तो इसकी चिंता बढ़ गई। उतने में ससुर काम से लौटे, चिंतामणि पंडित उनका नाम था। उन्होंने अपने ससुर को बोला, बाबूजी, भूषण भैया गुस्से से बाहर निकल गए हैं, अब तक लौटे नहीं। जब चिंतामणि पंडित ने सारी बात सुनी तो उन्होंने बहू को समझाया, रुक्मिणी, खाते समय किसी को डांटना नहीं चाहिए, बाकी समय भले ही तो डांट ले उसको, लेकिन खाते समय क्यों डांटा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। और उसको ढूंढने के लिए चिंतामणि पंडित बाहर निकले, पड़ोस के चार लोगों को इकट्ठा किया और जगह जगह जाकर भूषण का खोज आरंभ हुआ। नदी के किनारे खेत में जहां वो जाता था, उस मंदिर में जिस पेड़ पर चढ़कर इमलिया खाता था, उस पेड़ पर, उसके दोस्तों के घर पे, हर जगह ढूंढने की कोशिश हुई लेकिन भूषण कहीं नहीं मिला। एक आदमी बोला, हो सकता है उसने आत्महत्या कर ली, बस अब यमुना के किनारे बैठकर इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उसका शव फुला हुआ बाहर आ जाए। ये बात सुनकर चिंतामणि पंडित की आंखों से आंसू निकल गए। रुक्मिणी तो रो रोकर पागल हो गई थी। पूरी रात भूषण लौटा ही नहीं और ना ही कहीं उसका ठिकाना पता चला। कहां गया था भूषण, कहां गया था भूषण? बाकी कहानी कल बताऊंगा। ये जो कहानी मैंने कही, ये कहानी कहते समय आपकी उत्सुकता बढ़ रही थी कि क्या हुआ होगा, कहां गया होगा, कौन है ये भूषण जिसको, जिसकी कहानी इतनी बड़ा चढ़ा के कह रही जा रही है, और नमक का प्रसंग, छोटा सा प्रसंग लेकिन मन में भाव तरंग पैदा करता जा रहा था कि क्या हुआ होगा आगे, क्या हुआ होगा। कहानी जब हम बच्चों को कहें तब इस ढंग से कहें। मैं जब छोटा था तब एक स्कूल में कोई मेहमान आए थे, मैं एकदम अगली कतार में बैठता था। स्कूल छूटने से पहले जो असेंबली होती थी, प्रार्थना होती थी, वंदे मातरम होता था और स्कूल खत्म हो जाती थी। बस बस कुछ नहीं होती थी, हम पैदल घर चले आते थे। 5-10 मिनट देरी भी हो जाती आने में तो कोई घर वाला पूछता भी नहीं था, क्योंकि सब पास पास में ही था। तो हमारे प्रिंसिपल साहब किसी एक मेहमान को लेके वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज हमारे यहां फलाने मेहमान आए हैं, आज वो आपको एक कहानी कहेंगे। तो हम जरा एकदम उत्सुकता के साथ में बैठे
कि कहानी सुनने को मिलेगी। सारे प्राण कानों में थे और उन्होंने कहा, मैं निवेदन करता हूं फलाना जी से कि कृपया आए मंच पर और बच्चों से कहानी कहे। मंच पे आए और उन्होंने कहानी कहना आरंभ करने से पहले अपना चश्मा निकाला। बच्चों, वैसे तो मैं कोई तैयारी करके नहीं आया, लेकिन आपके प्रधानाचार्य ने बोला है तो एक कहानी मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। आप शांति बनाए रखें, जब तक मेरी कहानी खत्म ना हो। अब सामने बैठे जो बच्चे थे उनको समझ में आ गया कि इसकी तैयारी नहीं है। उनको सोच भी नहीं रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहे थे ढंग से, उसी बच्चों बच्चों किए जा रहे थे। फिर कोई पीछे से एक चिल्लाया कि आपने तैयारी नहीं की है तो हमें भी घर जाना है, चलो आप घर जाओ हम भी चले जाते। अब जो बड़े बच्चे होते हैं 9th 10th के, तो वो शरारती होते हैं, जो मन में आया बोल भी देते हैं। और फिर जो बोलने वाला होता है वही पीछे देखता है कि किसने बोला किसने बोला, तो पकड़ भी नहीं पाते आपकी किसने बोला। लेकिन बच्चे क्यों सहें इस प्रकार का अत्याचार, बच्चे क्यों सहें? उस अतिथि को सम्मान देने के लिए उसको माइक दिया गया और उसको कुछ नहीं आता था, ना वो तैयारी करके आया था। ऐसी कहानी बच्चे सुनना असंभव है। और फिर बच्चों ने एक दूसरे के साथ मस्ती शुरू की, आवाज बढ़ दी गई, इनकी कहानी भी शुरू हुई। बच्चों, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से बहुत फुर्ती आती है, आदमी का दिन भर उत्साह बने रहता है। व्यायाम करना, फिर पीछे से आई, आपको जरूरत है व्यायाम की? क्यों सुने बच्चे ऐसा? यदि बच्चों को कहानी कहनी है तो थोड़ी तैयारी करके जाना चाहिए। और फिर तैयारी कैसे करनी है? हम लोग, आप लोगों में से कितने लोग साप्ताहिक वर्ग चलाते हैं, जरा हाथ ऊपर करो। साप्ताहिक वर्ग या बाल संस्कार वर्ग जिन्होंने चलाया है वो जरा हाथ ऊपर करो। हमारा अनुभव यह रहता है कि पहले दिन जब हम लोगों ने जाके कह दिया कि संस्कार वर्ग का आरंभ होने वाला है, तो लगभग 100 के करीब संख्या थी, 100 बच्चे थे। और फिर दूसरे दिन पता चला कि 85 बच्चे रह गए, तीसरे चौथे दिन 30-40 ही रह गए, 8वें 10वें दिन तो जिसकी दरी थी और जिसका हॉल था वही 2 बच्चे बचे। और हम कहने लगे, देखो आजकल बच्चों को कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती, बच्चों को संस्कारों का देना इतना आवश्यक है लेकिन बच्चों को लेने की इच्छा नहीं, क्या करें? लेने की बहुत इच्छा है बच्चों को, आप देने में असमर्थ रह गए हैं। पहले दिन 100 आए थे, अगले दिन कम आए, इसका सीधा मतलब यह है कि आप बिना तैयारी के गए थे। आप यदि तैयारी किए बिना वहां जाते हैं तो बच्चे क्यों सुने आपको? और संस्कार वर्ग कोई विद्यालय नहीं कि जहां कंपल्सन है 70% प्रेजेंटी का। बच्चे घर चले जाएंगे, मस्ती करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, छुट्टी मनाएंगे। छुट्टी के दिन आपके पास आते हैं तो नया कुछ सुनने मिलेगा, सीखने मिलेगा, इसलिए आते हैं। उनके इंटरेस्ट की बात हो तो उनको मजा आए, नहीं तो क्यों आए? और वहां पर जब हम कहानी कहने वाले हैं, आपको कुछ कहानियां चुन चुन कर दे दी गई, जो किताबें गीता परिवार पब्लिश करता है उसमें 15 दिन के संस्कार वर्ग की कहानियां हुआ करती है। वो कहानी जो होती है वो क्यों कहनी चाहिए? कहानी क्यों कहनी चाहिए? कहानी का मुख्य कारण क्या है? कहानी कहने के पीछे
आवश्यकता क्या है कहानी कहने की? एक तो कहानी बच्चों को बहुत पसंद है, उनको मजा आता है सुनने में, सभी को पसंद है कहानियां। छोटे बच्चे दूसरों के मुंह से सुनते हैं, हम टीवी में देखते हैं, कहानी तो कहानी होती है, घर घर की कहानी देख लेते टीवी में। कहानी हर एक को पसंद है, लेकिन वो रोचक हो तो। और संस्कार वर्ग की कहानी का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि वो संस्कार करने वाली हो, लेकिन वो पता भी नहीं चले कि ये कहानी कुछ संस्कार करके जा रही है, पता भी नहीं चलना चाहिए। और इसलिए कहानी का तात्पर्य कहना कि आपने क्या सुना कहानी से, सदा सत्य बोलना चाहिए। और तुम कल झूठ क्यों बोले? मैंने इतनी कहानी सुनाई उसके बावजूद तुम झूठ बोले। कहानी का तात्पर्य है सदा सच बोलना चाहिए। क्या को सच बोलना चाहिए? वो बोला, आपके साथ नहीं झूठ बोलता तो मुझे 2 घंटे की पनिशमेंट होती, यहां बैठना पड़ता, इसलिए मैंने झूठ बोला कि हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए मैं नहीं आया कल। बच्चे बच्चे होते हैं, रीजनिंग दे देंगे। इसलिए कोई उपदेश नहीं करना कहानी से, कहानी बस कह देनी है। कहानी के अंदर जो पात्र है, कहानी के अंदर जो प्रसंग खड़े होने वाले हैं, वो सारे प्रसंग अपने आप कुछ न कुछ संस्कार बच्चों पर कर जाएंगे। और ऐसे संस्कार क्या कर सकते हैं, ये हमने देखा जब छत्रपति शिवाजी महाराज पर जीजा माता ने रामायण महाभारत की कहानियां सुनाकर जो संस्कार किए, उसके कारण हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई, महाराष्ट्र बच गया। ये जो भूषण है, ये उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आया था। और बहुत गजब का कवि क्या है, और उसने शिवाजी महाराज के ऊपर कई कविताएं लिखी। यमुना के किनारे से आया हुआ ये कवि, उसको कविराज नाम की उपाधि से छत्रपति शिवाजी महाराज ने सम्मानित किया, उसको हाथी भेंट दिया गया। और उस भूषण ने लिखा, यदि शिवाजी ना होते तो सुनत होता सबकी, सबकी सुनत हो जाती, यानी सबको धर्म परिवर्तित करना पड़ता। शिवाजी के ऊपर किए गए संस्कार उसका कारण था कि छत्रपति शिवाजी जैसा पुरुषार्थ, छत्रपति शिवाजी जैसा पराक्रम इस देश को देखने मिला। वो कहानियां थी, स्वामी विवेकानंद बचपन की कहानियां थी, सुबह में हमें नंदिता जी ने बताया यहां पर कि वो कहानियां थी जिन्होंने उनका व्यक्तित्व बनाया। कहानियों में इतनी जबरदस्त ताकत है, उस ताकत का सही इस्तेमाल करना हम लोगों को आवश्यक है। पहले तो दादा दादी कहानी सुनाया करते थे, अब दादा दादी अलग जगह रहते हैं, माता पिता अलग जगह रहते हैं, कहानी सुनाने वाला कोई नहीं घर में। ऐसे में हम लोगों को दादा दादी का काम करने की आवश्यकता है। हम लोग अपने संस्कार वर्गों में बच्चों को इकट्ठा करके उनको जब कहानियां सुनाना शुरू करेंगे, उपासना है बाल की यह आने वाले काल की, उपासना है काली की यह प्रत्यक्ष कृष्ण गोपाल की। वो आए हुए प्रत्यक्ष कृष्ण गोपाल की उपासना, उसके ऊपर कहानी का पुष्प चढ़ा कर की जाए, लेकिन तैयारी के साथ जाना होगा। बच्चों वाला मामला नहीं करना है वहां जाकर, मैं कुछ तैयारी से नहीं आया हूं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना है। भले ही एक हाथ दिन आप बिना तैयारी के गए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब खड़े रहेंगे तब निडर बन के खड़े रहना, आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना, और बच्चों को आपके आंख में आंख डाल के जब देखेंगे तो बच्चे अपने आप अपनी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आप कहते कहां से ढूंढे कहानी, हमें तो मालूम ही नहीं कहानियां। मैं आपको कुछ कहानियों के नाम बताता हूं, ये कहानी आपको पता है या नहीं पता है आपको बताना है। खरगोश और कछुए की कहानी, कौन जीता है? सबको मालूम है कहानी। प्यासे कौवे की कहानी, प्यासा कौवा क्या करता है? सबको पता है कहानी। बिरबल बादशाह की कहानी, कम से कम एक कहानी हर एक को पता है। ईसापनीति की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, सिंहासन बत्तीसी, कई प्रकार की कहानियां हम सब लोगों को पता होती है, बस उस समय वो ध्यान में नहीं आती। और इसलिए जो कार्यकर्ता संस्कार कार्य करना चाहता है, उसको करना चाहिए कि जैसे ही कहीं पर भी कहानी उसने सुनी या पढ़ी, उसको एक डायरी में उसको नोट करके रखना चाहिए, संक्षेप में नोट करें। मैंने एक डायरी, मेरी वाली डायरी आपको दिखाने लाई है। जब से मैं काम करना शुरू किया 1996 में मैंने डायरी बनाई,
96 की डायरी अभी तक संभाले हुआ हूँ और उसमें मैंने एक इंडेक्स बना लिया। इंडेक्स में अ आ ई उ ऊ सारे स्वर लिख दिए, फिर क ख ग घ ग सारे व्यंजन लिख दिए और स के नीचे कुछ शीर्षक लिख दिए। जैसे ये स है तो स के नीचे इतने सारे शीर्षक है, साहस, संस्कार, सफलता, स्वार्थी वृत्ति, स्वाभिमान, संगति, स्तुति, सचोटी, सत्कार्य, सज्जन, स्वभाव, समाज सेवा, समाधान, सुरक्षा, संस्कृति, सुख, संकल्प शक्ति, स्वामी भक्ति, स्वाध्याय, स्वातंत्र, स्वात्विकता, सातत्य, स्मरण शक्ति, सद्गुण, सत्य, सौंदर्य, संत, स्पष्ट वक्ता, कितने विषय हो सकते हैं उसको लिख लिया। और फिर मैंने लिखा कि स्वभाव, मुझे कहानी स्वभाव पर मिल गई, तो स्वभाव की जो कहानी मैंने 6 मार्च के पन्ने पे लिख दी। तो 6 मार्च का जब पन्ना मैं खोलूंगा, 6 मार्च के पन्ने पर मुझे स्वभाव से संबंधित जो कहानियां हैं मेरे पास वो मिल गई। तो मेरे पास कुछ कहानियां स्वभाव से संबंधित है। मैंने लिखा हुआ है उसमें कि एक गुरु था, उसने शिष्य को एक ऐना दिया। ऐने में ऐसा था कि ऐने में देखो तो हमारा मन दिखता था। उसने गुरु की तरफ ऐना पकड़ा और ऐने में देखा तो गुरु के मन में उसको वासना और तृष्णा दिख गई। शिष्य का गुरु के ऊपर से मन उड़ गया। फिर वो कई जगह गया और लोगों को आईने में देखता था। आईने में देख देख कर पता चलता था कि इसमें तो सब बुराइयां ही बुराइयां है। सबके मन में उसको गंदगी नजर आने लगी। घबरा के गुरु के पास फिर आया, बोला गुरुजी मैंने तो सोचा कि आपके मन में बहुत गंदगी है और इसलिए मैं यहां से भागा, लेकिन जब मैंने देखा आपके मन में तुलना में कम गंदगी नजर आई, बाकी लोगों में मुझे बहुत ज्यादा गंदगी नजर आई। तो गुरु ने बोला तुमने खुद के मन की गंदगी देखी या नहीं देखी? दूसरों को आईने में देख लिया लेकिन खुद को देखा क्या? बोले नहीं गुरुजी मैं तो भूल गया। बोले देख लो। जब शिष्य ने खुद को आईने में देखा तब जितने लोगों को देख के आया था उनसे ज्यादा गंदगी इसके मन में उसको नजर आई। तो गुरु ने कहा कि 100% पवित्र कोई नहीं होता, हर एक के मन में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इस जीवन से भाग जाओ। शुरुआत करो अपने मन की गंदगी को हटाना, आरंभ करो, अपने आप को बदलो। खुद का स्वभाव बदलेगा तो अपने आप जगत बदलता नजर आएगा। कहानी मिली, मैंने उसके नीचे नोट करी, अब संक्षेप में नोट करी। अब मैंने ये छोटी सी कहानी संक्षेप में यहां नोट करके रखी है। क्या मैं इसको 10 मिनट तक लंबा करके कह सकता हूं? क्या करना पड़ेगा मुझे? छोटी सी लिखी हुई कहानी उसको लंबा करना है, बड़ा करना है। तो मैंने यमुना भूषण के कहने पर 100 गाड़ी नमक खरीदा गया, बैलगाड़ियां चलने लगी और सबसे पहली बैलगाड़ी पर भूषण बैठा था नमक के ऊपर, जैसे कोई राजा बैठा। और जैसे ही वो शोभा यात्रा उस टिकमापुर गांव में पहुंची, वैसे ही लोग इकट्ठा हो गए। अरे भूषण, अरे कहां गया था? सारा गांव ढूंढ रहा था तुझे, कहां था तू? भूषण सिर्फ हंस रहा था। किसी ने जाके रुक्मिणी को बात बताई, कह रहे तेरा भूषण आ गया, भूषण आ गया। रुक्मिणी दौड़ती हुई बाहर आई, उसको अपने पल्ले तक का ध्यान नहीं रहा, रो रो कर आंखें सूज गई थी। दौड़ती हुई आई, भूषण दिखा। जैसे भूषण ने अपनी भाभी को देखा, बैलगाड़ी से छलांग लगाकर नीचे उतरा, दौड़ता हुआ आया, भाभी को प्रणाम करके बोला, भाभी तुमने बोला था ना, आपने बोला था कि मैं नमक नहीं कमा सकता, देख देख नमक की गाड़ियों को देख, मैं नमक खरीद के लाया हूं भाभी, नमक खरीद के लाया हूं, मैं कमा सकता हूं नमक। रुक्मिणी की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। कुछ खाया या नहीं? नहीं भाभी, कैसे खाता? आपने भी तो कुछ नहीं खाया होगा अभी तक। मुझे पता था आप भी कुछ खाएंगे नहीं जब तक मैं लौटता नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गया। कुछ नहीं खाया भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो भाभी मुझे खाना परोसो। और रुक्मिणी उसको लेके घर पर आई,
और खाना अपने हाथ से खिलाते हुए बोली, भूषण भैया मैं आपको बताती हूं, आप जैसा कोई नहीं, आप इतने होशियार हैं लेकिन आप कुछ करते नहीं। मैं सिखाऊंगी आपको, आप सीखे आगे बढ़े, खूब बड़े हो, ऐसा मेरा सपना है, आप साकार करेंगे ना मेरा सपना। और भूषण वाकई में उस दिन से सयाना हो गया, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखने लगा। और एक दिन भूषण ने कहा, भाभी मैं अब जाना चाहता हूं महाराष्ट्र, मैंने सुना है वहां का राजा शिवाजी राजा बड़ी कद्र करता है, मैं देखना चाहता हूं उस पराक्रम को और कुछ कविताएं लिखना चाहता हूं, भाभी मुझे इजाजत दीजिए। भाभी ने कहा जाओ, लेकिन आते समय मेरे लिए क्या लाओगे। भूषण ने कहा बताओ भाभी क्या चाहिए आप। मुझे दो गहने चाहिए, दो अलंकार, एक ऐसा अलंकार जो सरस्वती के गले में शोभायमान हो और एक ऐसा अलंकार जो गणपति का मुकुट बन जाए, ऐसे दो काव्य अलंकार लेते हुए आना, दो कविताओं की किताबें, दो ग्रंथ लेते हुए आना अपनी लिखी हुई। हाँ भाभी जरूर लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। और भूषण चल पड़ा, सीधे रायगढ़ पर आया और वहां आने के पश्चात चौकीदार ने उसे रुकाया, कौन हो तुम। मैं एक नन्हा सा कवि हूं, बड़ी दूर से आया हूं, उत्तर भारत से आया हूं। क्या नाम है तुम्हारा। भूषण क्या काम है तुम्हारा। वैसे तो कुछ भी नहीं, मुझे बस महाराज के दर्शन करने हैं, शिवाजी महाराज, मैंने बहुत नाम सुना है इसलिए चला आया। दर्शन करने आए हूं उत्तर भारत से। यही रुक जाओ, अभी महाराज की पालकी आएगी, महाराज यहां मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जगदम्बा माता का दर्शन करते समय तुम्हें उनका दर्शन हो जाएगा, यहां रुक जाओ। और बस थोड़ी देर में वहां पर महाराज की पालकी पहुंची, मंदिर के सामने पालकी रुक गई, महाराज मंदिर के अंदर गए, घंटा बजाई, प्रणाम किया, तीर्थ लिया, प्रदक्षिणा की, जगदम्ब जगदम्ब कहते हुए महाराज बाहर आए, रुक गए। चौकीदार से पूछा, चौकीदार कौन लड़का है, कोई नया मेहमान नजर आता है। चौकीदार ने कहा हाँ महाराज, मैं आपको बताने ही वाला था, ये उत्तर भारत से आए हैं, भूषण नाम है इनका, कवि है और आपका दर्शन करने आए हैं। अच्छा बुलाओ। भूषण को बुलाया गया, बात हुई, भूषण ने कहा मैं आया हूं, मेरी कुछ कविताएं आप सुन ले तो बड़ी कृपा होगी। आमंत्रण दिया गया, दरबार में चौरंग रखा गया, चांदी के चौरंग पर भूषण बैठा और शिवाजी महाराज ने बताया कि ये उत्तर भारत से आए हैं, कविताएं सुनाएंगे, सुनाइए भूषण जी, कविता सुनाइए आप। भूषण चौरंग से उठकर खड़ा हुआ, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कविता सुनाए, क्या कहे, और उसके मुंह से सहसा शब्द निकल पड़े, इंद्रजिमी जुम्ब पर वाडव सांब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पवन भरी बाह पर संहुरति नाह पर जो सहस बार पर रामद्विज राज है, द्रवा दुर्दंड पर चित्ता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तमांस पर कन्ह जिमी कंस पर जो मलिन छपांस पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। सारा दरबार तालियों की गूंज से उठ खड़ा हो गया। फिर एक बार कविराज, थोड़ा थोड़ा समझ में आया लेकिन पूरा समझ में नहीं आया, आप फिर एक बार समझाइए, लेकिन सुनने में बड़ा प्यारा लगा, फिर एक बार सुनाइए। दूसरी बार वही कविता सुनाई गई, तीसरी बार सुनाई गई, चौथी बार सुनाई गई, आठ बार वो कविता बार बार सुनाई गई। शिवाजी महाराज ने भूषण का बड़ा सम्मान किया, कविराज नाम की उपाधि दी, उनको हाथी भेंट किया, हाथी पर बैठकर जब वर्षों बाद भूषण फिर अपने गांव पहुंचा, सारा गांव देखने लग गया कौन राजा आया, और किसी को समझ में आया, अरे ये तो भूषण, अरे हाथी पे बैठ के आ रहा है, साथ में सेना चल रही है, ये कौन से प्रदेश का राजा बन गया। किसी ने जाके रुक्मिणी को खबर दी, रुक्मिणी दौड़ती बाहर आई, भूषण हाथी पर बैठा हुआ, जैसी अपनी भाभी को देखा भूषण नीचे उतरा, हाथ में दो ग्रंथ थे, एक ग्रंथ का नाम था शिवा बावरी और दूसरे ग्रंथ का नाम था शिवराज भूषण। दोनों ग्रंथ अपनी भाभी की हाथ में देते हुए
भूषण ने कहा, भाभी आपने कहा था ना आपको दो अलंकार चाहिए, ये लीजिए अलंकार। सारा गांव जिस भूषण को बंदन बंदर कह के पुकारता था, वही भूषण आज उस टिकमापुर गांव का भूषण हो चुका था, उस गांव का भूषण बन गया था, कविराज भूषण बन गया था। अब ये जो भूषण की कहानी सुनाई, उसके लिए पहले थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ी। क्या क्या तैयारी करनी पड़ी, कैसे तैयारी करनी पड़ी? जैसे ही पहली बात तो मैंने ये देखा कि मैं आज जो कहानी कहने वाला हूं, मेरे सामने बैठा हुआ जो एज ग्रुप है वो कौन सा है? क्या मेरे सामने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी है, या बालवाड़ी के है, या माध्यमिक के है, या उच्च माध्यमिक के है, कॉलेज में जाने वाले है, कौन से बच्चों को मैं कहानी सुनाने वाला हूं? इस हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग कहानी होनी चाहिए। वो एक ही कहानी यदि आप सबको सुनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। एकदम छोटे छोटे बच्चे, उनको किस प्रकार की कहानियां सुनाएंगे आप बताइए। सिर्फ एज ग्रुप नहीं, साथ साथ और भी कई चीजें देखनी होगी। उनका सांस्कृतिक ग्रुप कौन सा है, जैसे देहाती है, शहरी है, अनाथालय में रहने वाले बच्चों के लिए और अलग प्रकार की कहानी कहनी पड़ेगी। हम कौन से बच्चों के सामने कहानी कह रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के सामने कहानी कहनी है तो कुछ और कहानी का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि उन बच्चों को एक्सपोजर बहुत बड़ा रहता है, उनको कई मालूमात रहती है। यदि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जा रहे हैं तो कुछ और कहानी का चयन करना पड़ेगा। तो बच्चों को कहानी कहते समय कौन सी कहानी मुझे चुननी है, यह हमको सोचना पड़ता है। कहाँ मिलेगी कहानियां, कहाँ मिलती है ये कहानियां? अखबारों में बच्चों के लिए कहानी आती कि नहीं आती? हर रविवार को, इतवार को कहानी पक्की आती है। टीवी में देखते हैं हम बच्चों के लायक कई कहानी, हमको टीवी में भी मिल जाती है, लिख के रखो। ऐसी डायरी हर एक की बननी चाहिए और हर एक पन्ने पे अलग अलग कहानियां, एक डायरी खजाना होना चाहिए आपके पास, कहानियों का खजाना। इस माध्यम से किताबें पढ़ते रहना चाहिए। कार्यकर्ता को आवश्यक है कि वो स्वयं की तैयारी करे, और इसलिए खूब पढ़ना चाहिए कार्यकर्ता। मेरे यहां डकैत घुस गए थे मेरे घर पे, 15-20 डकैत, खूब पीटा हमको, मतलब इतना पीटा कि मेरे को 15 फ्रैक्चर थे, बेहोश था, मरने को ही था, 45-50 तो मेरा बीपी था। और फिर मेरे कमरे में भी घुस गए, कमरे में घुस गए तो उनको, उन्होंने अलमारियां खोलना शुरू किया, और हर अलमारी में उनको किताबें मिलती गई। बोर हो गए बेचारे और चले गए, कुछ नहीं मिला किताबों के अलावा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा धन वहां पड़ा हुआ था, किताबें, उनके कुछ काम का नहीं था वो, हम बच गए। किताबें कितना बड़ा काम करती है देखो, मुझे तो बचा लिया, ये कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ किताबें थी। ये जो बात है किताबें, ये हमारे घर में कितनी है, कम से कम 20 किताबें मेरे यहां होनी चाहिए, कम से कम, मिनिमम, ये मिनिमम नंबर है। बच्चों के काम की कम से कम 20 किताबें घर पे मेरी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, और फिर प्रतिवर्ष उसमें तीन चार किताबें बढ़ती जानी चाहिए। यदि मैं इतना भी नहीं कर पाऊं, इतनी भी किताबें नहीं पढ़ पाऊं, तो मैं कार्यकर्ता बनने के लिए जो क्षमताएं मुझे अर्जित करनी है वो क्षमताएं मुझ में आएगी नहीं, और इसलिए कहानियां पढ़ती। अब थोड़ा सा ऊपर का एज ग्रुप है, छोटे बच्चों को कौन सी कहानियां बताएंगे आप बताइए? पशु पक्षियों की कहानियां, जैसे कि मैंने बताया कि एक चूहा और शेर, इनकी कहानी आपको पता है ना कहानी? वो चूहा उसकी पीठ पे चलता है शेर के, शेर सोता रहता है, शेर जग जाता है, वो चूहे को पकड़ लेता है, कहता है मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा कहता है प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। फिर वो कहता है कि मैं काम आऊंगा तुम्हारे कभी, बोलते तो क्या काम आएगा? बोले नहीं मुझे छोड़ दो, मैं काम आऊंगा। और फिर एक दिन एक शिकारी आता है, उसके जाल में शेर फंस जाता है, और चूहा वहां आता है, और चूहा अपने नुकीले दांतों से सारा जाल तोड़कर शेर को मुक्त कर देता है। कहानी याद आई? कहानी सबको पता थी ना कहानी? ऐसा कोई है कि कहानी मैंने आज पहली बार सुनी? शायद ही कोई होगा। ये कहानी जब बच्चों को हम कहेंगे तो उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए? प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मैक्सिमम पहली दूसरी की कक्षा को ये कहानी आप सुना सकते हैं। उससे ऊपर वाले बच्चों को जब कहानी सुनानी है, मतलब हितोपदेश, पंचतंत्र, ये कहानियां इन छोटे बच्चों के काम की है। लेकिन उससे बड़े जो बच्चे हैं, बेताल पंचवीसी, सिंहासन बत्तीसी, हाँ, इलिस इन द अंडरलैंड, ये जो कहानियां हैं
ये थोड़े बड़े बच्चों को शिवाजी महाराज की, राणा प्रताप की कहानी, शौर्य की, पराक्रम की कहानियां, ये पांचवी छठी सातवीं आठवीं कक्षा के बच्चों को शौर्य की कहानियां, नौवीं दसवीं कक्षा के लोगों को साइंस की कहानियां, विज्ञान की कहानियां। वो आजकल एक सीरियल आता है उसमें डिटेक्टिव की बात बताते हैं, डिटेक्टिव वो कहानियां उन बच्चों को बहुत पसंद आती है, 9th, 10th, 11th, 12th ये जो एज ग्रुप है उसमें ये सारी कहानियां पसंद आती है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमको कैसी कहानियां कहनी है। फिर मीराबाई की कहानी, संतों की कहानियां, शबरी की कहानी, भक्ति की कहानी, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, ये सारी कहानियां जब बच्चों को कहेंगे इस एज ग्रुप में, पांचवी से लेकर दसवीं तक के एज ग्रुप में, बच्चों के अंदर वीर रस का प्रवाह। लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या कहना चाहिए, उससे भी छोटे बच्चे, ताल कथा। ताल कथा ऐसी चीज है हर एक को पसंद आ जाती, कोई भी एज ग्रुप में चले जाओ ताल कथा कहने वाला यदि जोरदार हो तो ताल कथा बहुत पसंद आती है लोगों को। और इसीलिए हमारे संतों ने जो कथाएं लिखी, फिर तुलसी रामायण लिखी गई तो तालबद्ध तरीके से लिखी गई, रामायण की कथा तालबद्ध स्वरूप से, क्योंकि ताल जैसे ही उसको ताल आता है वो सबको पसंद आने लगती है। एक चिड़िया थी, वो जो चिड़िया थी उसको बहुत प्यास लगी, इतनी ज्यादा प्यास लगी कि उड़ते 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 वो गई, उसे एक तालाब दिखा, एकदम से झड़पी तालाब के अंदर, एक पत्थर था, बस उस पत्थर पे जाके गिरी, उसका माथा फटा और सारा पानी लाल लाल हो गया। कैसे वैसे वो लौट कर अपने पेड़ पे पहुंची तो पेड़ ने पूछा, चिमनी, चिड़िया चिड़िया क्या हुआ तुम्हें? तो चिड़िया गाना गाने लग गई, चिड़िया रानी का माथा फूटा, पानी हो गया लाल लाल, चिड़िया रानी का माथा फूटा, पानी हो गया लाल लाल। आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, प्रैक्टिस के करते समय माथा है तो माथे पे हाथ रखना होगा, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको एक्शन करके दिखाना होगा हम लोगों को। हाँ, सीधा बैठे जरा। चिड़िया रानी का माथा फूटा, पानी हो गया लाल लाल, बस ये बात सुनी और सीधा सा पेड़ एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया और नीचे एक लकड़हरा लकड़ियां इकट्ठा कर रहा। उसने देखा अचानक से पेड़ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसने पूछा, भैया भैया क्या हुआ, अचानक से तुम टेढ़े मेढ़े कैसे हो गए? पेड़ ने बताना आरंभ किया, क्या बोला पेड़, चिड़िया रानी का माथा फूटा, पानी हो गया लाल लाल, और पेड़ हो गया टेढ़ा मेढ़ा। ऐसा कहते के साथ ही जो लकड़हरा था उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो नीचे गिर गई, उसके हाथ का सारा जोर ही चला गया, लूला हो गया, कैसे वैसे दौड़ा। एक किराने की दुकान में पहुंचा, उसको तेल खरीदना था, हाथ को तेल लगाना था ताकि हाथ में फिर शक्ति आए। लेकिन दुकानदार ने पूछा, भैया भैया क्या हुआ, तुम्हारे हाथ को अचानक से क्या हुआ? और जो लकड़हरा था उसने बताना आरंभ किया, क्या बोला लकड़हरा, चिड़िया रानी का माथा फूटा, पानी हो गया लाल लाल, पेड़ हो गया टेढ़ा मेढ़ा, लकड़हरा हो गया लूला। ऐसा कहते के साथ ही वो जो दुकानदार था, वो दुकान मालिक बिल्कुल बहरा हो गया, उसको कुछ सुनाई देने को तैयार नहीं। और उतने में वहां पे एक दासी आके पहुंची राजा की दासी गुड़ खरीदने आई थी। उसने कहा, भैया भैया मुझे थोड़ा सा गुड़ दो, महाराज को गुड़ चाहिए। उसने कहा, क्या चाहिए, मूड खराब हो गया? किसका मूड खराब हो गया? अरे मूड नहीं भैया, गुड़ मेरे पास तो गुड़ नहीं मिलता है, क्या चाहिए तुम्हें ठीक से बताओ। अरे तुम्हें हो क्या गया है, कान को सुनाई नहीं देता क्या, क्या हुआ?
जब दासी ने पूछा तब दुकान मालिक ने कहना आरंभ किया। क्या बोला दुकान मालिक? चिड़िया रानी का माथा फूटा, पानी हो गया लाल लाल, पेड़ हो गया टेढ़ा मेढ़ा, लकड़हरा हुआ लूला और माणी हो गया बहरा। ऐसा बोलते के साथ ही वो दासी है वो गाने लग गई। वो गाते गाते अपने राजा के पास आई। पहले उसको रानी दिखाई पड़ी। रानी ने पूछा दासी से, दासी दासी गुड़ ले आई कि नहीं? हाँ नहीं हाँ नहीं गुड़ नहीं हाँ, गाता गाना गाते गाते बोल रही, जो भी बोल रही गाना गाते गाते बोल रही। बोले क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो क्या तुम, गाना गाए जा रही हो? खूब जोर जोर से गाना गा रही थी, सारा दरबार इकट्ठा हो गया। रानी बार बार पूछ रही थी, बताओ दासी क्या हुआ तुम्हें, क्या बात है, तुम गाना क्यों गा रही हो? और दासी ने बताना शुरू किया। क्या बोली दासी? चिड़िया रानी का माथा फूटा, पानी हो गया लाल लाल, पेड़ हो गया टेढ़ा मेढ़ा, लकड़हरा हो गया लूला, वानी हो गया बहरा, और दासी लग गई गाना गाने, दासी लग गई गाना गाने। और ये क्या कर रही है तू? और दासी गाना गा रही थी और रानी नाचने लगी। ताथे तथे ताथे तथे, ये दासी गाना गाए जा रही है और रानी नाचे जा रही है। उतने में महाराज वहां के पहुंचे। महाराज ने पूछा, रानी साहब क्या हुआ, ये ऐसा नाच क्यों चल रहा है? रानी ने कहना शुरू कर दिया। क्या कहा रानी ने? चिड़िया रानी, एक साथ सब एक साथ खड़े हो जाओ, खड़े होके खड़े होके, सिर्फ हाथ ऊपर, फैन का ध्यान रखना, जब चिड़िया उड़ेगी तो फैन में मत डालना। हाँ शुरू। चिड़िया रानी का पानी हो गया लाल लाल, पेड़ हो गया टेढ़ा मेढ़ा, लकड़हरा हो गया लूला, वानी हो गया बहरा, दासी लग गई गाना गाने, रानी लग गई नाच नचाने, रानी ताते थैया ताते थैया, नाचो ताते थैया। और ये जब राजा ने सुना तो राजा खूब हंसने लग गया। यहाँ रानी गाना गा नाच रही है, दासी गाना गा रही है, और जोर जोर से राजा हंस रहा है, और जोर जोर से सारा दरबार इकट्ठा हो गया। हुआ क्या, हुआ क्या महाराज, हुआ क्या? उतने में राजपुत्र भी वहां के पहुंचा, देख रहा है तो दासी गाना गा रही है, रानी नाच रही है, और राजा जोर जोर से हंस रहा है। कैसे? समझ में आ गया राजपुत्र के कुछ गड़बड़ है। दौड़ता दौड़ता गया, अपनी किताबें निकाली, जादू की किताब लेकर आया, पढ़ा, और जादू की किताब देखकर उसने समझ लिया कि इनको जब भी कोई पूछेगा ये गड़बड़ कर देंगे। बिल्कुल पूछना नहीं, चुप बैठो, एक मोमबत्ती जलाओ और मोमबत्ती को फूंक से बुझाओ और इनकी जादू उतर जाएगी। उसने झटके से मोमबत्ती लाई, मोमबत्ती जलाई, फूंक मारी और सब लोग ठीक हो गए। कैसा हुआ? राजा क्या कर रहा था? हंस रहा था। राजा हंसना रुक गया, रानी नाचना रुक गई, दासी का गाना गाना बंद हो गया। दुकानदार फिर सुनने लगा, लकड़हरा फिर अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ बढ़ गया, पेड़ फिर सीधा हो गया और चिड़िया रानी ठीक हो गई। बैठ जाओ, मजा आया कि नहीं? जब ऐसी कहानी ताल कथा, इसको कहेंगे ताल कथा, जो गिजू भाई बधेका जो थे उन्होंने ऐसी ताल कथाएं बहुत लिखी, बहुत सुंदर सुंदर ताल कथाएं लिखी। मुर्गा रंग्या रंग में, मुर्गी शोक तरंग में, ऐसी बहुत सारी उनकी कहानियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं। कहीं पे आपको मिले तो जरूर से देखना, कहानी का विस्तार आपने देखा। कई लोगों को कहानी जब कहना आरंभ करते हैं ना तो हाथ का क्या करना, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उनके यहाँ। हाथ पीछे बांधते, यहाँ बांधते, एकदम उनको उसी दिन पता चलता है कि अरे मेरे तो हाथ है, हाथ आ गए, हाथ जड़ महसूस होने लग जाते।
हाथों का हाथ कितना काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं, हाथ से आपको मैं सिर्फ बताऊंगा, आपको कहना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या कहा मैंने? बहुत अच्छा। कितनी बातें कह सकते हैं आप बताइए, कुछ बातें मैं पहचानूंगा। बिना बोले हाथ बोलते हैं, हम कुछ भी नहीं बोले हाथ बोल देते हैं, इसलिए हाथों को खुला छोड़कर उनको उनका काम करने देना चाहिए, वो कहानी में रंग भरने लग जाते हैं। आंखें भी बहुत कुछ बोलती है, आंखें सारे भाव प्रकट कर देती है, खुशी के भाव, दुख के भाव, आश्चर्य के भाव, गुस्सा, सब कुछ आंखों से झलक जाता है, और इसलिए आंखें सबकी तरफ मुड़ती हुई होनी चाहिए। कथा जब कहेंगे तो सबकी आंख में आंख डालते हुए आपको कथा कहनी है। कल आपको सबको एक एक कथा कहनी है, हम सुनने बैठेंगे और सबको एक एक कहानी कहने लगाएंगे। यहाँ पर सबको कहानी कहनी, इसलिए ध्यान से सुनना कि कहानी कहते समय क्या क्या करना है। कहानी कहते समय जब खड़ा रहेंगे ना, तब पांव एक कदम ज्यादा से ज्यादा आधा कदम आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मैं एक मंदिर में गया था किसी का प्रवचन सुनने, बड़े सुंदर महाराज थे, बड़े अच्छे, उनकी बड़ी ख्याति थी, बीचों बीच खड़े होते थे, लोग नीचे बैठ जाते थे, मंदिर में कीर्तन का कार्यक्रम चलता था। हमारे महाराष्ट्र में खड़ा होकर कीर्तन करने की परंपरा है, और कीर्तन के बीच में कहानियां कहते, शौर्य रस की कहानियां, वीर रस की कहानियां। बाजी प्रभु देशपांडे, बड़े घने पत्थर होते हैं, हार्ड रॉक कहलाए जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग भी हार्ड रॉक लोग हैं वहां। तो ऐसी शौर्य की कहानियां जब सुनाते तो वो जो कीर्तनकार थे वो अपने दोनों हाथों में तलवारें लेके नाचने लग गए वहां पे, और लोग ऐसे आगे बैठे हुए और नाचते नाचते कहानी कहते कहते वो तो लोगों में आ गए, लोगों को ऐसे लगने लग गया कि अभी मारे हमें तो मैं मर जाऊं। कितना आगे चलना है इसका कोई तो हिसाब होना चाहिए। कहानी कहते समय समय का ध्यान रखना, कब कहानी कहनी। अब यहाँ तो ठीक है, एसी वेसी लग गया तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैं जब 2:45 बजे पहुंचा तो मेरे मन में तो ऐसा हो रहा था कि क्या मैं कहानी कह पाऊंगा और लोग सुन पाएंगे। इतनी गर्मी में कई बार ऐसा होता है कि संस्कार वर्ग गर्मी के दिनों में होते हैं, और जगह भी ऐसी होती कि वहां धूप आती है, और ऐसे धूप में यदि आप कितनी भी प्यारी कहानी सुनाएं बच्चों का मन नहीं लगेगा। मैं एक स्कूल में गया था, भगत सिंह की कहानी, और एक हाथ में भगवत गीता लिए भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर चल पड़ा। मुंह में घोषणा थी, वंदे मातरम वंदे मातरम। एक गोरे सिपाही ने पूछा, भगत सिंह बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? भगत सिंह ने बोला, छोड़ो तुम नहीं पूरी कर पाओगे। ऐसा क्यों? हम कोशिश जरूर करेंगे। नहीं नहीं, कर तो सकोगे लेकिन करोगे नहीं, ऐसी क्या बात है जो हम नहीं करेंगे? जो मैं कहूंगा मेरे पीछे कहेंगे? गोरे सैनिकों ने कहा, हाँ हाँ भगत सिंह, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आप तुम्हारी जो मर्जी है तुम कहो, तुम्हारे पीछे हम कहेंगे। भगत सिंह ने कहा, वंदे मातरम कहो, मैं कहूंगा वंदे मातरम, मेरे पीछे तुम कहेंगे वंदे मातरम। और भगत सिंह ने नारा लगाया, वंदे मातरम। ऐसी कहानी चल रही थी कि उतने में दरवाजा खुला और एक स्कूल का सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया, मैडम 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 चेयरमैन साहब का फोन आया। भगत सिंह यहाँ फांसी पे चढ़ रहा था, प्रिंसिपल मेरे बाजू में बैठी थी, और स्कूल का जो प्यून था वो मैडम को चेयरमैन का फोन कहने के लिए, सारे कहानी का पानी पानी हो गया। बच्चे ऐसे क्षण पे कहानी आई थी कि बस अब फांसी के तख्त पर वो चढ़ रहा है, फांसी का फंदा उसको लगाया गया, ऊपर से काली थैली डाली गई, वो सब जो था मजा ही चला गया कहानी का। इसलिए ध्यान रखना जब भी कहानी कहनी है तो एक कार्यकर्ता बाहर खड़ा कर देना, मैंने भी कर रखा है, कि इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, भले ही 4:05 कम है, मैं 4 बजे रुक जाऊंगा या रुक जाऊंगा। कहानी कहते समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसका ध्यान रखना है। इसलिए एक केंद्र पे यदि अधिक कार्यकर्ता है तो बाकी कार्यकर्ताओं को बच्चों के पीछे बैठना चाहिए, और कहानी कहने वाला एक ही कार्यकर्ता बच्चों के सामने खड़ा हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना आप लोगों को आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप विस्तार करेंगे कहानी का, अभिनय
आप क्या करेंगे, हाथ हाथ बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहा मैंने? बहुत बड़ा है। क्या है मेरे हाथ? हाँ, कानपुरी है। हाँ, तो मैं चक्कू लेके आया और रामपुरी, सॉरी कानपुरी, रामपुरी गले लगना, छुपना, कितनी सारी चीजें हाथ से कर पाते हैं। और शब्द जो है, कौन से शब्द पे कैसा जोर देना है। मैंने जो पहली कहानी सुनाई, बच्चों व्यायाम करना चाहिए, और व्यायाम पे जोर ही नहीं था कुछ, तो व्यायाम पहुंच ही नहीं पा रहा था। जब मैं ये बात कहूंगा तो जोर कौन से शब्द पे आएगा? व्यायाम शब्द पे जोर आना चाहिए। एक विशाल हाथी था, एक विशाल हाथी था, कैसे कहना चाहिए? तो जोर कौन से शब्द पे आएगा? विशाल शब्द पे जोर आएगा। शाह को दीर्घ किया जाएगा, भी तो रस्व है, एक विशाल हाथी था, तो वो शाह जो है वो दीर्घ करके उस पर जोर लगा के जब वो बात कहेंगे तो वो हाथी कैसा था वो बच्चों को ध्यान में आएगा। शिवाजी ने तुरंत तलवार म्यान में डाली। अब ये कैसे, ये मोशन क्या है कहानी का? स्लो मोशन है कि फास्ट मोशन है? फास्ट मोशन है, तुरंत शब्द है। और मैं ऐसा कहूं तो शिवाजी ने तुरंत अपनी तलवार म्यान में डाली। युद्ध का प्रसंग है या क्या है? तो वो तुरंत जो शब्द है वो ऐसा आना चाहिए जैसे कोई युद्ध चल रहा है और वहां पर उसने अपनी तलवार जो है अंदर डाली हो या बाहर निकाली, जो भी है, लेकिन तुरंत ये शब्द पर जोर आना जरूरी है।